नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर पाली जिले के सोजत सिटी से है, जहां 67वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन के दौरान भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सभासेवी भामाशाह अनूप सिंह लखावत द्वारा 22 सितंबर से 26 सितंबर तक संपूर्ण दोपहर का भोजन व नाश्ते की व्यवस्था निःशुल्क खिलाड़ियों के लिए की गई। हमारे संवाददाता अब्दुल समद राही ने टीम के साथ आई अध्यापिका व कोच से बात की कि यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ व भोजन की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी। तो आइए रुक करते हैं सीधे उनकी ओर। के साथ और कितने टीम में बच्चे वगैरह हैं? सर 16 गर्ल्स है, बीकानेर से टीम जो लाई हूँ मैं, उसमें 16 गर्ल्स है और 3 हम टीचर्स हैं साथ। अच्छा, आप बीकानेर से आए हैं? हाँ जी सर। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहंदी नगरी सोजत में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आप कहाँ से आए हैं? सर हम सीकर जिले से आए हैं। आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम सुप्रिया मीन है, फिजिकल टीचर। तो आप जो राज्य स्तरीय जो हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रहा है उसमें आए हैं क्या? हाँ जी, जो राज्य अंडर 14 के 14 वर्ष के छात्र छात्राओं के हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है, इसके अंदर हमारे। तो आप भोजन कहाँ ले रहे हैं यहाँ? भोजन हम भारत विकास परिषद समिति की ओर से हमारे बुकी को खाना खिलाया जा रहा है। जब हम सीकर से रवाना हुए तब हमें यूँ लग रहा था कि हम सोलह सीटी जाते हो रहे हैं, लेकिन क्या पता कहाँ रहना पड़ेगा, कैसी व्यवस्था होगी, कहाँ बच्चों को ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही बस स्टैंड पर उतर के हमारे को एड्रेस दिया गया, यहाँ आए तो पहले तो हमें रहने की जो हमारी व्यवस्था थी यहाँ पे ही, वहाँ के लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि हमें यूँ नहीं लगा कि हम कहीं बाहर आ गए। उसके बाद वहाँ अनाउंस किया गया खाने के लिए, तो मॉर्निंग में बच्चों को नाश्ता, फिर सुबह तक खाना, शाम को खाना। खाना खाने के साथ कई जगह और भी खाते हैं, स्टेट वगैरह में होता है फ्री में, लेकिन यहाँ खा के ऐसा लगा कि जैसे हम घर में ही खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छी बैठने की, बच्चों को खाना खिलाने की, जो स्टाफ अलग से है उनकी थोड़ा, सब बड़े बड़े लोग अलग से पहचान इस तरीके से रखते हैं जैसे आप हैं। मुझे ये होने लगा कि हम बाहर से आए हैं, कहीं अदर से बने हैं। जी जी, तो आपको भारत विकास परिषद की तरफ से जो व्यवस्था वगैरह है वो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं वैसे तो जयपुर से बोल हूँ, रहने वाली हूँ, लेकिन कार्य से लगाया गया है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक बार के लिए तो वहाँ उतरे थे हम लोग, जो वहाँ आपके वहाँ रेलवे स्टेशन पर, तो मुझे थोड़ा सा ही लग रहा था कि यार अपन अंदर चल रहे हैं तो परेशान हो गए या जाने के रहने की व्यवस्था है या नहीं, लेकिन यहाँ सब खाना भी बहुत अच्छा, रहना सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी। तो मैं यूँ कह रहा था आपको कि जैसे अब यहाँ भारत विकास परिषद की तरफ से जो भामाशाह अनूप सिंह जी लखावत की साहब की तरफ से जो भोजन की व्यवस्था है, तो आप यहाँ आप भी यहीं पे भोजन ले रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं टीवी पे आना तो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा खाना, कहीं कोई कमी नहीं। आप के साथ कितनी छात्राएं वगैरह हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई छात्राएं नहीं है, क्योंकि मैं तो बीकानेर से, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, लेकिन हम जितने रेफरीज वगैरह जितने भी लगे हुए बीकानेर से सब हम लोग यहीं खाना खाते जाते हैं, अच्छा है इसलिए सब खाना खाते, नहीं तो बाहर ही खाते। बाहर बहुत सारी जगह जाते हैं, हम बाहर खाना खाते हैं। वहाँ रहने का थोड़ा सा हम लोग अलग रहते हैं, क्योंकि रहने का थोड़ा सा चक्कर, बाकी खाना खाने हम सभी लोग यहीं पर। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हैं पेंशनर समाज के अध्यक्ष लालचंद मोहिल साहब, जो यहाँ पर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है और हमारे यहाँ सोजत में विकास भारत विकास परिषद भामाशाह अनूप सिंह जी लखावत साहब की तरफ से जो भी छात्रा हैं यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेना है, उनकी तरफ से खाने की फ्री व्यवस्थाएँ की है और इस व्यवस्था को देख रहे हैं पेंशनर समाज के अध्यक्ष लालचंद जी मोहिल साहब। तो हम इनसे बात करते हैं यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएँ वगैरह है और किस तरह का खाना वगैरह बन रहा है। मैं लालचंद मोहिल, पेंशन समाज अध्यक्ष सोजत। मुझे हमारे भामाशाह श्री अनूप सिंह जी लखावत अध्यक्ष भारत विकास परिषद, उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस भोजनशाला में आपको जब तक ये बच्चे रहती हैं
उनके साथ रह करके और आपको इनके खिलाने पिलाने और इनके पूरा ध्यान आपको रखना है, मैं उसे उसका निर्वाह कर रहा हूँ। तो सर मैंने अभी काफ़ी जो यहाँ जो मैडम बाहर से आई हैं छात्रों के साथ, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य भारत विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्री अनूप सिंह जी लखावत, उन्होंने यही कहा था कि सर आपको यहाँ इसलिए बिठाया गया है कि इस भवन के अंदर जो भी आ जाता है, एक तो वो भूखा नहीं जाए, दूसरा उनको इस तरह का भोजन मिले कि वो यहाँ से जा कर के ये सोचें कि हम कभी सोजत गए थे और सोजत की याद हमेशा बनी रहे। इस तरह से हमने व्यवस्था की। बाकी जो बहनों ने या जो भी परिचित थे उन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं वो आपके सामने हैं। हम तो उनसे ये कहते हैं कि हमें हमारी कमियाँ बताओ, पर वो कमियाँ नहीं बता करके हमें तो उल्टा ये कहते हैं कि हमें कोई कमी लगी नहीं रही है, तो हम उसका हम क्या करें। बाकी हमारी तरफ से सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, समय पे उनको नाश्ता मिले, समय पे भोजन मिले और संध्या का भोजन समय पे मिले और समय पे वो वहाँ पहुँच जाए। और जहाँ भोजन की व्यवस्था है वहाँ पर सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं ताकि बच्चियों का या जो भी कार्यकर्ता या जो भी है उनकी सारी जानकारी होती रहे और कोई दुर्घटना नहीं घटे, इसका भी हमारे भामाशाह श्री अनूप सिंह जी ने ध्यान रखा है। जी इस तरह की बेहतरीन व्यवस्था के लिए सोजत का एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे राज्य में गया है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पत्रकारों का हमेशा मुझे सहयोग मिला है और विशेष रूप से राय साहब मैं आपका आभारी हूँ कि आप समय समय पर हमें याद करते रहते हैं, इसके लिए आपको हृदय से आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।